भुवनेश्वर उड़ीसा में इंडियन वास्तु एकेडमी का बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की, जिसमें मुझे इन्होंने आमंत्रण दिया तो मैं वहाँ यहाँ उसी के लिए आया। जी सर, सर हाँ, मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, वास्तुशास्त्र का कनेक्शन यहाँ पे ये होता है कि सर वही वाली बात है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमारा सही डायग्नोज हो जाता है कि आपको कौन सी बीमारी लगी हुई है, आप नॉर्मल आप बीमारी लेके जा रहे हैं, लेकिन डायग्नोज तो डॉक्टर ही करेगा ना सर वहाँ पे, कि आपको कौन सी बीमारी है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, कोविड क्या है, उसी की दवाई वहाँ पे बनेगी। उसी प्रकार हम प्रिडिक्शन करते हैं और उसी पूरा पूरा एनालाइज करके, एक एक चार्ट को, एक एक चीज़ को एनालाइज करके तब हम प्रिडिक्शन देते हैं। अब आपने पूछा पानी के बारे में, वास्तु से रिलेटेड, ठीक है, अगर आपने साउथ दिशा में पानी का स्रोत वहाँ पे दिया हुआ है, पानी का वहाँ से क्या नाम है वो दिया है, तो वो चीज़ बहुत गलत है सर, क्योंकि साउथ दिशा जो है वो अग्नि की को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, और नॉर्थ दिशा वो पानी के लिए है, ठीक है। आपने ये देखा होगा कि आग पानी का कहीं पे भी मेल नहीं है, ठीक है, तो आपको वहाँ से वो हटाना ही होगा। अगर आपने वहाँ सबमर्सिबल दिया है या पानी का कोई भी कनेक्शन आपने साउथ में दिया है तो वो चीज़ नहीं चल पाएगी। और जैसे सूत्र की मैंने अंदर भी बात की थी, तो जैसे ज्योतिष में बहुत सारे सूत्र हैं, न्यूमरोलॉजी में हैं, ऐसे ही वास्तु में भी सूत्र हैं। वो एक ऐसा कड़वा और कट्टु सत्य है, ऐसा सूत्र मैं बता रहा हूँ कि आपके ईस्ट में अगर आपकी किचन है, ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपकी किचन है, ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपकी कोई भी मतलब वॉशरूम वहाँ पे है, ठीक है, तो उसकी कोई रेमेडी नहीं हो सकती सर। किचन आती है, वॉशरूम, कोई रेमेडी नहीं है, उसको वहाँ पे आपको डिमोलिश करना ही होगा, तोड़ना ही होगा। जी तो भविष्य होता है जी, जी तो 2024 में कौन जीतेगा सर, इसके बारे में तो देखिए मैं अभी मैंने कोई प्रेडिक्शन नहीं की है, राइट, लेकिन हाँ सितारे काफ़ी बुलंदियों पे हैं, सभी के अच्छे सितारे हैं, ठीक है, सितारों के साथ ही सब चीज़ें चलती हैं, तो मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में नो क्वेश्चन मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस बारे में। हम लोग घर करते हैं तो जैसा में नहीं जी, जैसा जी जी, बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे आपने सीढ़ी बना दी है, सीढ़ी के नीचे ही आपने वॉशरूम बनाया हुआ है, तो आपको एक छोटी सी रेमेडी करनी होगी। उसके लिए आपको एक कांच के बाउल में आपको जो समुद्री नमक होता है वो आपको वहाँ पे रख देना है, और हर हफ्ते हो सके तो, और महीने में तो हर हालत में ही आपको बदलना पड़ेगा। आप ये छोटी सी रेमेडी कर दीजिए तो जो वो वास्तु दोष है वो वहाँ समाप्त हो जाएगा, उसको आपको डिमोलिश करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। टाउन में, जो टाउन में शहर में नया घर बन जाए, इसके लिए क्या संदेश देना है सर? देखिए, गाँव की बात आप कर रहे हैं, गाँव में लोग इस चीज़ से बहुत अनभिज्ञ हैं, लेकिन आज के युग में बहुत लोग अवेयर होते जा रहे हैं और बी अवेयर होते जा रहे हैं। तो मैं सभी से यही आग्रह करूँगा कि आप वास्तु को माने, ठीक है, वास्तु शास्त्र हो गया है, ज्योतिष शास्त्र हो गया है, अंक ज्योतिष शास्त्र हो गया है, ये ऐसे ही नहीं बने हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, बहुत ओरिएंटेड रिजल्ट्स हैं, बहुत ही कड़वा और कटु सत्य है। ज्योतिष में ना कोई संपूर्ण था, ना है और ना होगा। सही समय पे सही गाइडलाइन अगर हमें मिल जाए तो सर हमारा जीवन ही सुधर जाएगा।